लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही अलग अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा टिकट की मांग उठाई जा रही है। कुछ ऐसे ही मांग सिख समुदाय के द्वारा अपने समुदाय के लिए उठाई गई, जहां भोपाल में सिख समुदाय ने लोकसभा चुनाव में हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को टिकट दिए जाने की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि देश और प्रदेश में सिख समाज का एक बहुत बड़ी भूमिका है और उस भूमिका को नगण्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारी मांग है सरकार से भी कि हमारे को एक लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि हमारी आवाज़ जो है लोकसभा तक पहुंच सके। इसके लिए हम लोगों ने सबसे उचित समझा है कि 5 बार के विधायक रहने वाले, चुनाव लड़ने वाले श्री हरजिंदर सिंह बब्बू, वो एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और उनके कार्यशैली को हम लोगों ने सबने देखा है, वो हमारी आवाज़ को जो है शासन तक, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो हम सबकी मांग है, हमारे सिख समाज की मांग है, पूरे मध्य प्रदेश के लोग सब इकट्ठे हैं यहाँ पर, इस बात की मांग करते हैं कि भोपाल जौलपुर संसदीय क्षेत्र से श्री हरजिंदर सिंह बब्बू को लोकसभा का टिकट दिया जाए। हम सभी सिख समाज दलगत राजनीति को छोड़कर उनके साथ सहयोग करेंगे, यही हम आप लोगों से वार्ता करने आए हैं। जो मेन विषय है वो ये है, आगामी लोकसभा चुनाव में सिख समाज की प्रतिनिधिता सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी से निवेदन करने के लिए आए हैं, एवं हमारे चीफ मिनिस्टर यादव साहब जी से निवेदन करने आए हैं, संगठन से निवेदन करने आए हैं, आरएसएस से निवेदन करने आए हैं कि जबलपुर के हमारे एक जुझारू विधायक हरिंदरजीत सिंह जी बब्बू, जो 5 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, जिनको तजर्बा है, वो अब हमें एक आपसे मौका चाहिए कि आप सिख समाज को वंचित ना करें, लोकसभा की टिकट जो है वो एक दी जाए। इसमें चिंता का विषय ये है, जैसे पार्टी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज में से सब समाज को प्रतिनिधित्व देती हैं, उस क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में सिख समाज भी आता है, और सिख समाज को वंचित ना रखा जाए, ये निवेदन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। मैं हमारे आनंद साहब जो हैं भोपाल सिख समाज के, जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे, उनसे अनुरोध करूँगा, वो आपके साथ रूबरू होंगे। गुरचरण सिंह जी आए हैं, अरोड़ा जी, गुगली जी आए हैं जबलपुर से, मैं जबलपुर से हूँ, बरजिंदर सिंह जी ये संबोधन दे देंगे आपको, और मनजीत सिंह जी भी बैठे हैं मध्य प्रदेश केंद्रीय सिंह सभा के। सो मैं आनंद साहब से अनुरोध करूंगा, आप जी अपनी